कि प्रत्येक व्यक्ति अपने पुत्रों को और पुत्रियों को पढ़ाए जरूर, बाकी काम रह जाए तो रह जाए, लेकिन शिक्षा जरूर अपने पुत्रों को दो। यदि आपके पुत्र शिक्षित होंगे तो बहुत सी समस्याएं अपने आप समाप्त हो जाएंगे। आज आपके जीवन में समस्याएं अशिक्षा की वजह से भी ज्यादा हैं, इसलिए आप लोग का सर्वप्रथम धर्म है, एक बार भले घर में खाने को रोटी ना हो चलेगा, एक टाइम भूखा रह जाना, लेकिन अपने बेटों को अपनी बेटियों को शिक्षित जरूर करना। और दूसरी बात है, बेटा बेटी में कोई भेद मत करना, जिस तरह से बेटे को आप पढ़ाते हो उसी तरह से बेटियों को भी पढ़ाना, क्योंकि एक शिक्षित बेटी जब वो मां बनती है तो अपने बेटे को भी शिक्षित करती है, इसलिए बेटियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। एक बार बेटा अशिक्षित हो जाए तो चलेगा, लेकिन बेटी अशिक्षित नहीं रहनी चाहिए, क्योंकि बेटी की बहुत जिम्मेदारी होती है, वो माँ होती है और बालक की प्रथम गुरु माँ ही हुआ करती है, माँ से ही वो सर्वप्रथम शिक्षा लेता है, इसलिए बेटियों का शिक्षित होना बहुत जरूरी है। तो बेटा बेटियों को आप लोग शिक्षित जरूर करना।